नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूँ तपस्या। और आप जानते हैं स्वच्छ भारत कार्यक्रम में एक ही बात आपसे हम बार बार कहते हैं कि हमें खुले में शौच की समस्या से निदान पाना है, अपने पूरे भारतवर्ष को साफ करना है, स्वच्छता के महत्व को समझना है। ये सारी चीज़ें होंगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, तो हमारा विकास भी होगा। और इसी विषय पर बात करने के लिए आप जानते हैं हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों में लेकर चलते हैं, वहाँ की गतिविधियों से अवगत कराते हैं। तो इसी कड़ी में आज आपको लेकर चलेंगे अरुणाचल प्रदेश और साथ ही पंजाब भी चलेंगे, देखेंगे वहाँ किस तरह का काम हो रहा है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि स्वच्छ भारत कार्यक्रम में हम आमंत्रित करते हैं विशिष्ट अतिथियों को और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो स्वच्छ भारत अभियान है, इसको गति देने के लिए, इसको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है और क्या कुछ हो रहा है। तो इसी कड़ी में आज हमने आमंत्रित किया है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में अपर सलाहकार डॉक्टर दिनेश जैन जी को। तो डॉक्टर दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कि शौचालय बन जाने के बाद भी अगर पानी उपलब्ध ना हो तो वो बनना बेकार है, क्या कहेंगे आप? शौचालय के साथ साथ पानी भी उपलब्ध होना चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास पानी नहीं है, अब आपको 500 मीटर से दूर से पानी लाना पड़े या 1 किलोमीटर से लाना पड़े, फिर वो शौचालय की उपयोगिता खत्म हो जाती है। जैसे आपको पानी लाने में टाइम लगेगा, तो जब आदमी वो जिस टाइम को उसने काम के लिए देना चाहिए था वो शौचालय के लिए पानी लाने में लग जाएगा या उसका कोई मेंबर लग जाएगा, तो उसको पिंच होता है, फिर वो उसको यूज़ नहीं करेगा। तो बहुत ज़रूरी है, और वो पर्सनल हाइजीन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो वो पर्सनल हाइजीन के लिए भी लाएगा, आपके टॉयलेट साफ़ करने के लिए भी लाएगा, उसको फ्लश करने के लिए भी लाएगा, तो ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है, इनप्रैक्टिकल। इसीलिए वो बाहर जाने प्रेफरेंस देगा। तो आप ये मानते हैं कि शौच, जो अगर खुले में शौच की समस्या है, उसमें पानी का उपलब्ध ना होना एक बड़ी समस्या है। उड़ीसा में मैं गया था तो एक दो हैंडपम्प है, वहाँ पे दो हैंडपम्प है। जी जी। पॉपुलेशन उस समय 300 के करीब थी, 300-350 करीब। मॉर्निंग आवर में मैं गया था ये देखने के लिए कि वो कैसे उसको यूज़ करते हैं। शौचालय की बात कम थी उसमें, पानी की उपलब्धता की बात में हम लोग जोर दे रहे थे। जी। तो लोग लाइन अप हो जाते थे अर्ली इन द मॉर्निंग 7:30 बजे करीब। और वो इसलिए होता था कि 8 बजे एक गाड़ी आती थी जो मेन रोड पे आती थी, और जो मजदूरी करने के लिए जाते थे गांव वाले वो उस पर चले जाते थे। अच्छा। उसके बाद उनको कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा, दूर जी। जाते थे, फिर वो साइट से वापस आते थे। तो हमने उनसे पूछा कि भाई आप नीचे एक नाला था उससे पानी क्यों ला रहे हैं जबकि आपके हैंडपम्प है? तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट करूँगा, लाइन पे खड़ा रहूँगा तो मेरी गाड़ी निकल जाएगी, मेरा जॉब निकल जाएगा, तो मेरे लिए वो जो नाला है वही एक जरिया है जी। तो वो वहाँ जाता है, पानी को यूज़ भी करता है, कपड़े धोने वो भी करेगा, पानी भरेगा भी, और एक ही मुश्त में वो वापस भी आ जाता है जी। तो उसको कम टाइम लगता है वनस्पति इसका कि वो लाइन पे खड़ा रहे और हैंडपम्प से पानी ले। तो उसके लिए पानी स्वच्छ है नहीं है मायने नहीं रखता, क्योंकि बहुत जगह ऐसी भी हमारे सामने रिपोर्ट्स आई जिसमें कि शौचालय बना हुआ है घर में लेकिन इस्तेमाल नहीं होता है, और चीज़ों में प्रयोग हो रहा है लेकिन शौच के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा है, इसकी क्या वजह है? उसके पास जो हाउस है अगर वो इंफीरियर क्वालिटी का है और शौचालय आपका सुपीरियर क्वालिटी का, तो जो आपको फूड ग्रेन है या कोई आर्टिकल्स है उसके जो उसके वैल्यू रखते हैं उसके लाइफ में, वो उसको स्टोर करने के लिए भी यूज़ कर सकता है। तीसरा है कि उसके पास टाइम नहीं है, अगर उसको साफ करना और साफ रखना तो वो नॉर्मली उसको यूज़ करना नहीं चाहता है।
और चौथा जो मेजर है कि उसकी अवेयरनेस नहीं है। ये सब कुछ आप निकाल दें, उसके पास अच्छा मकान है, आपका शौचालय भी ठीक है, पानी भी है, पर उसकी मानसिकता दूसरी तरह की है, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, वो भी एक कारण हो सकता है। दूसरा ये है कि वो सालों साल बाहर जाता रहा है, तो है। तीसरा उसको इम्पोर्टेंस, जो अवेयरनेस है हमारी इम्पोर्टेंस है, मतलब है जी। अगर मुझे ये मालूम है कि मैं गंदा पानी पीऊँगा तो मुझे डायरिया हो जाएगा, मैं हॉस्पिटल चला जाऊँगा, 3 दिन तो बेड में रहूँगा, ये सब मुझे अगर थ्रेट मिलेगा तो हो सकता है मैं बाय फोर्स साइकोलॉजिकल चेंज हो जाए और मेरा माइंडसेट ही चेंज हो जाए कि ये अच्छी चीज़। तो हमें शौचालय जो हम लोग कहते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात भी उसके साथ, बिल्कुल बिल्कुल जी, दोनों उसको बिल्कुल नहीं छोड़ें। जितना आप शौचालय को स्वच्छता से जोड़ोगे, उसके लाइफ थ्रेड से जोड़ोगे, तो आपको सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलेगी जी। तो ये रहा कि मानसिकता अगर बदलनी है तो उसे लोगों को समझाना होगा कि अगर वो साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, खुले में शौच कर जाएंगे, तो बहुत सी बीमारियां, संक्रमण रोग उनको घेर लेंगे। लेकिन ये काम इतना आसान है नहीं, क्योंकि जन जन तक इस बात को पहुंचाना, उसके लिए काफ़ी मैन पावर की ज़रूरत है और बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो अभी जिस गति से, जिस तरह से काम हो रहा है दिनेश जी, उसमें आपको क्या लगता है कैसे इस काम को हम आगे बढ़ा सकते हैं? इसमें जो प्राइम मिनिस्टर का भी हमारे एजेंडा है कि हर एक आदमी, जब हर एक आदमी की बात आती है, चाहे वो गांव वाला हो, शहर वाला हो, या कोई एजुकेशनिस्ट हो, कोई नेता हो, नेता मीन्स पॉलिटिकल लीडर हो, ओपिनियन लीडर हो, और जो मीडिया हो, ये सारे एक साथ जुट होने। तो अभी थोड़ा सा मोमेंटम तो पकड़ा है, वो उतना मोमेंटम आज भी नहीं पकड़ा है। अभी जितने चैनल हैं, कुछ चैनल उसको कवरेज करते हैं, चाहे वो झाड़ू अभियान में कर, मगर वो जो अभियान आपका है अभी वो कुछ ही एरिया में फोकस हुआ है। रूरल एरिया का हम लोगों ने भी अपने मिनिस्ट्री की वेबसाइट में अपलोड करने के लिए कहा है, तो कुछ सक्सेस स्टोरी आ रही है, पर वो उतनी नहीं आ रही है जितनी होना चाहिए। इसका मतलब मोमेंटम अभी मतलब पकड़ना बाकी है जी, मतलब वो मोमेंटम नहीं आया जो जैसे कहते हैं जन आंदोलन, जैसे हमने आज़ादी के लिए किया था कि हर एक आदमी आगे आएगा, तभी ये स्वच्छता अभियान पूरा हो। तो दिनेश जी बात कर रहे हैं कि मीडिया का अपना रोल है और लोगों तक इस बात को पहुंचाना है, और आपने ये भी कहा कि रूरल एरियाज में बात को पहुंचाना ज़रूरी है। हम इस दिशा में ज़रूर कोशिश करते हैं कि आपको अवगत कराएं कि देश के अलग अलग हिस्सों में क्या हो रहा है। तो इसी क्रम में आपको लेकर चलते हैं अरुणाचल प्रदेश के पाशीघाट और देखते हैं वहाँ क्या कुछ हो रहा है। समृद्धि और संपन्नता के रास्ते पर आगे बढ़ रहा ये देश संपूर्ण रूप से तभी उन्नति कर सकता है जब यहाँ के गांव प्रगति कर नए मकाम को हासिल कर पाएंगे। ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए सरकार ने कई तरह के कल्याणकारी कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इन योजनाओं को गांवों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हर जगह की अपनी समस्याएं हैं और अलग अलग भौगोलिक स्थिति होने के कारण वहां की चुनौतियों से पार पाने के लिए अलग अलग उपाय किए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहां लोगों को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई तरह के जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साफ सफाई और स्वच्छ जल की उपलब्धता का पता लगाने हमारी टीम पहुंची राज्य के पासीघाट के तहत आने वाले बोड़ा गांव में। इस गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर में साफ पानी मुहैया कराने की दिशा में कई प्रयास हुए हैं। पीएचई डिपार्टमेंट का हेल्प से हम लोग हर एक घर घर में और पब्लिक स्तर में भी पानी मिलने लगा है। अभी 2008 से लेके आज तक हम लोग इतना सुविधा मिल रहा है।
इन्हीं कोशिशों का परिणाम है कि आज लगभग सभी घरों में कोई भी दूषित या गंदा पानी नहीं पीता है। ग्रामीणों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर पानी की टंकियों का निर्माण भी कराया गया है। पानी के लिए तकलीफ नहीं है, पानी आते रहते है, तो पीएसी डिपार्टमेंट लोग पाइप लगा कर प्रत्येक घर में पाइप लगा दिया है। अभी हमारे यहाँ बोडक में, बोडक बस्ती के घर घर में 24 घंटे पानी है। निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित बोडाक गांव के लोगों को अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कुछ समय पहले गंदा पानी पीने से होने वाली बीमारियों ने लोगों को आर्थिक और शारीरिक स्तर पर बेहद कमजोर बना दिया था। अब साफ पानी आसानी से उपलब्ध हो जाने से स्थिति बेहतर हो गई है। जब यहाँ नल नहीं थे तब हम सब दूर से पानी लाने पड़ती थी, लेकिन पानी भी पहाड़ से थोड़ा सा ये बांस का बेम्बू का पाइप लगा के जैसे तैसे लेते थे। तब पानी भी बहुत छोटे थे, तब प्यू सिस्टम में होते थे, पहले जो आया है वो पानी पहले भरेगा। बोडाक गांव से आगे बढ़ने पर हमें पासीघाट शहर की स्थिति भी संतोषप्रद नजर आई। यहाँ भी स्वच्छ जल की सुविधा सभी के लिए उपलब्ध है। कुल मिलाकर कहें तो पासीघाट के तहत आने वाले ग्रामीण और शहरी क्षेत्र अपनी सफलता की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। वो जमाना और था जब बारिश के लिए गांव में ये आसमान निहारते थे। जमाना बदला और हमारे रमेश ने गांव को भी बदला। ग्राम पंचायत स्तरीय जल एवं स्वच्छता समिति का सक्रिय सदस्य बनकर अब पानी से जुड़ा कोई विकार हो, रमेश और समिति सदस्य मिलकर झट से समस्या सुधारने का टिकाऊ तरीका निकालते हैं और अब से ऐसा ही चलेगा। तो जाना हमने कि अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में किस तरह की कोशिशें हो रही हैं स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने की दिशा में। और दिनेश जी से समझते हैं कि शौचालय बने होने के बाद भी इस्तेमाल ना होना, इसके पीछे एक वजह होती है डिज़ाइन। उनसे समझते हैं कि ये क्या वजह है। दिनेश जी, डिज़ाइन की बात हो रही थी कि वो जो है उसको समझना ज़रूरी है कि जहाँ लोग जहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप वो बनाया जाए। उसमें किस तरह की परेशानियाँ आती हैं कि जब क्या होता है वो जो एस्टीमेट है उसको देख कर उसको इतनी छोटी जगह दे देते हैं जिसमें जो बाहर जाने वाला आदमी है उसको सफोकेशन होने लगती है, तो वो फिर जाना बंद कर देता है। दूसरा क्या है, वेंटिलेशन। कई दफ़े वेंटिलेशन नहीं है, जैसे आप वो कोई बना देते, होल बना देते हैं टॉप पे तो एयर आती है, या दरवाज़ा इतना है कि आप उसको एकदम अंधेरा हो जाता है। तो स्कूल में ज़्यादातर एक बात आती है, पर बच्चे कभी नहीं जाएंगे क्योंकि वो एकदम ऐसा लगता है कि बॉक्स के अंदर बंद हो गया। तो वो डिज़ाइन अगर है या बड़े पैन हैं और बच्चे उसमें जाने हैं स्कूल में तो वो उसको यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल डर लगता है कि कहीं फिसल ना जाए उसको। तो इस तरह की प्रॉब्लम डिज़ाइन में। दिनेश जी, आप जैसे कि आपने पूरे भारत में कई जगहों का भ्रमण किया है और देखा है, राजस्थान की बात अगर करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, जहाँ महिलाओं को भी जिस तरह टाट के आप बता रहे थे कुछ देर पहले कि शौचालय बने होते हैं तो उसमें वो दिन में नहीं जा पाती हैं, वही समस्या वहाँ की सुबह अंधेरे में जाती हैं, संध्या होने का इंतजार करती हैं क्योंकि आसपास के लोग फिर देखते हैं, तो इसका भी ये भी एक वजह है। हाँ, ये 1990s में और 2001-2003 तक हम लोगों ने ये एक डिज़ाइन दिया था कि हम प्लिंथ लेवल तक ही बनाएंगे, उसमें सीट होगा, उसका प्लेटफॉर्म होगा, वो पिट होंगे, उसके ऊपर हमने कहा कि भाई जो गांव वाला है वही अपना सुपरस्ट्रक्चर बनाएगा। तो गांव वाले के पास पैसा नहीं था तो उसने क्या किया, टाट लगा दी। अब टाट लगा दिए तो दिन में वो आप उसको देख सकते हैं, या कपड़ा लगा दिया जी। या आपने पॉलीथीन लगा दिया तो उसमें दिन में आप यूज़ नहीं कर सकते, अभी रात को ही यूज़ करना है आपने जी। तो उसमें जो लेडीज़ हैं वो अर्ली इन द मॉर्निंग उठेंगी, उसको यूज़ करेंगी। तो जैसे मध्य प्रदेश में हम लोग एक गए थे तो उसे हमने पूछा कि भाई साहब आप इसको यूज़ करते हैं, तो उसने कहा साहब मैं नहीं करता हूँ। तो हमने कहा कौन यूज़ करता फिर जी, कहने के बच्चे करते हैं
तो या करती हैं हाँ, हाँ। हमारी मिसेज है और मम्मी है, वो लोग यूज़ करते हैं, हम नहीं करते। हमने कहा वो किस वजह से यूज़ करते हैं और आप किस वजह से, तो उन्होंने ये ही बताया कि ये अर्ली इन द मॉर्निंग 4:30-5 बजे उठती हैं, उस समय ही वो यूज़ करती हैं। और क्योंकि मैं लेट उठता हूँ, जब सूरज आ जाता तो मेरे को अच्छा नहीं लगता क्योंकि सब लोग दिखते हैं जी। लेकिन हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि अगर हमें मानसिकता बदलनी है तो बच्चों से ही शुरू करना होगा, तो उसके लिए विद्यालयों की जब बात आती है, किस तरह की कोशिशें हो रही हैं ताकि लक्ष्य हमारा जो 2019 का है ये हासिल हो जाए? बच्चे तो हमारे एम्बेसडर हैं स्वच्छता के, स्वच्छता दूत आप कहिए जी, और हर घर में आपको मिलेंगे। तो उसमें ये CBSE ने भी कोर्स के अंदर स्वच्छता का प्रोग्राम रखा है। अच्छा, अगर आपको जानकर आश्चर्य होगा, अगर आप देखें तो उसमें चैप्टर है एनवायरमेंट का है, स्वच्छता का है, ये दोनों है, पानी का भी है। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। और उनको हम लोग, ये जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन है कि वो स्कूल में जाएं, उनका टॉयलेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करें, उनको लिटरेचर दें, उनको जो भी उनको जैसे कला जैसे आप कहते हैं ना प्रभात फेरी, वो निकालें। तो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ये जो बच्चे हैं ये घर जाके जब वो टॉयलेट स्कूल में यूज़ करेगा तो आपके घर पे भी वो डिमांड करेगा। ये बड़ी प्यारी बात है। और हमने कई घटनाएं अपने आसपास देखी हैं जिसमें जो कहना चाहिए नवविवाहिता थी, उन्होंने कहा कि हमें अपने ससुराल में शौचालय चाहिए तभी हम यहाँ पर रहेंगे। तो हम कह सकते हैं जागरूकता आ रही है, लोग इस बात को समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं, क्योंकि पंजाब आपको हम लेकर चल रहे हैं, वहाँ भी इस दिशा में बहुत काम हो रहा है। आइए देखते हैं। गांवों के देश भारत में आज भी आबादी की बहुत बड़ी तादाद कृषि कार्य पर निर्भर है। अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान महत्वपूर्ण है। उत्तर भारत का राज्य पंजाब भारत के चुनिंदा कृषि प्रधान राज्यों में से एक है। कुछ समय पहले तक पंजाब के बहुत सारे गांवों में पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध नहीं था, लोग दूषित पानी पीने के लिए विवश थे। गंदा और प्रदूषित जल पीने से ग्रामीणों को कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा था, वो कई प्रकार की बीमारियों की गिरफ्त में थे। पंजाब के ढेर सारे गांवों को गंदे पानी की समस्या से छुटकारा दिलाया स्वच्छ भारत मिशन ने। इसके तहत ढेर सारे गांवों में पानी की टंकियों का निर्माण किया गया है जिससे लोगों को साफ पानी आसानी से उपलब्ध हो रहा है। स्वच्छ जल की उपलब्धता का पता लगाने स्वच्छ भारत की टीम पहुंची लुधियाना से 25 किलोमीटर दूर स्थित गांव मजारा में। इस गांव में लगभग 2,200 लोग रहते हैं। अब गांव के किसी भी व्यक्ति को पीने के लिए साफ पानी की कोई दिक्कत नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन से लाभ उठाकर अब सभी ग्रामीण साफ पानी का ही उपयोग कर रहे हैं। साढ़े पिंड मजारे च जदों दी वाटर सप्लाई वगैरह हुई है सानू बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है। साढ़ा टाइम बच गया, जे इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी होंगी तो भी सानू वाटर सप्लाई मिलता हैगा, उहदे नाल सानू बहुत सहूलत हो गई है। पहला सानू दूरों पानी लैके आना पैंदा सीगा, घड़े चक के लैके जाओ, टाइम दी बचत हुण सानू इन्नी हो गई है कि टाइम से सानू पानी मिलता हैगा। तो साड़ियाँ बीमारियाँ अद्धियाँ हो गई हैं, जॉन्डिस बहुत फैलता सीगा, खूह के पानी गंदे हो गए सीगे, उपर जाला पैंदा सी, मच्छर बहुत हो गए सीगे। इस करके जदों दी साड़ी वाटर सप्लाई शुरू हुई है सानू बहुत ही ज़्यादा इहदा सुख हो गया है। मैं भारत सरकार का, मैं सेंटर का, सारियां का धन्नवाद करदी हाँ। हरेक घर दे विच असी टैंकी रखी हुई आ, कोई पानी की वेस्ट नहीं जा रही, होर बीमारियां तो सानू बहुत ज़्यादा राहत मिल चुकी आ। हुण इस टाइम कोई मक्खी मच्छर नहीं हैगा साडे पिंड दे विच। इस टाइम जी दुध नाल ज़्यादा पानी की महत्ता समझते हैं, पानी की संभाल सब तो जरूरी आ, पानी बिना बंदा किसी काम का नहीं है, जो पानी की वरतों अपन तरीके ना करनी चाहिए। सारिया सहूलत सानू बहुत ही वधिया मिली ने,
जे के असी 35-40 साल पिछे जाके देखिए उहदे नालों अज साडा पिंड बहुत ही तरक्की ते है। गांव में पानी की टंकियों के बन जाने से सभी को बहुत लाभ हुआ है। सबको स्वच्छ जल मिल रहा है, जिससे पहले की तुलना में लोग अब ज्यादा स्वस्थ रहने लगे हैं। कुछ समय पहले तक यहाँ एक और समस्या ने लोगों के जीवन को दुभर बना दिया था, और वो समस्या थी खुले में शौच जाने की आदत। घर से बाहर यहाँ वहाँ शौच जाने से गांव का माहौल जहाँ एक ओर गंदा हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ इससे लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर भी पड़ रहा था। स्वच्छ भारत अभियान के तहत अब ज्यादातर घरों में शौचालय बन गए हैं, जिससे लोगों को शौच के लिए अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन सब के साथ साथ प्रदूषित जल को स्वच्छ बनाने के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। वाटर सप्लाई स्कीम बना के काफ़ी वधिया परफॉर्मेंस नाल अपनी वाटर सप्लाई स्कीम चलाई है, तो हुण इन्हां दी योग्यता अते इन्हां दी रुचि पिंड वासियां दी देखते हुए यह पिंड पायलट प्रोजैक्ट लई नोमीनेट होया, जिस करके इत्थे सीवरेज स्कीम बनाई जा रही है। जल प्रबंधन के तहत होने वाला ये काम बेहद महत्वपूर्ण है। स्वच्छ भारत अभियान के साथ साथ साफ सफाई के प्रति ग्रामीणों की भागीदारी और ग्राम पंचायत के प्रयासों ने इस गांव के स्वरूप को बदलने में अहम भूमिका निभाई है। सभी की कोशिशों से ये गांव बहुत हद तक आदर्श ग्राम बन गया है। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तो देखा हमने, पंजाब में भी स्वच्छ भारत जो मिशन है इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, यानी पूरे भारतवर्ष में कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इसको गति देनी है। गतिविधियां बढ़ेंगी, लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, तो ये 2019 का लक्ष्य भी हासिल हो जाएगा, शायद उससे पहले भी। तो डॉक्टर दिनेश, आपसे अगर हम ये समझना चाहें कि आपने बात की कि लोगों में जागरूकता इस बात की होनी चाहिए कि अगर आप इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये बीमारियाँ आपको हो सकती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पीने के पानी की जब बात आती है उससे भी बहुत सी बीमारियाँ फैलती हैं, उसको उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय की ओर से किस तरह की कोशिशें हो रही हैं? इसके अंदर हम पहले तो हैंडपम्प वगैरह देते थे, अब जो हम लोग अब टॉयलेट की बात करते हैं, पूर्ण स्वच्छता की बात करते हैं और उसके सेफ वाटर क्वालिटी की बात करते हैं, तब हम लोग कहते हैं पाइप वाटर होना चाहिए, ट्रीटेड वाटर होना चाहिए, और उसके स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स भी हैं और WHO के भी हैं, जो हेल्थ पैरामीटर से कनेक्टेड हैं जी। तो वो हम लोगों को अभी हम लोग दे रहे हैं, और सबसे बड़ा प्रोग्राम है ये मेरे समझ से, तो अगर दुनिया में माना जाए तो बड़ा प्रोग्राम मिलेगा। अच्छा, हम अगर स्कूलों की बात करें, पीने के पानी की विशेष का अगर बात की जाए, तो वहाँ पर कुछ मॉनिटरिंग भी होती है कि जहाँ पानी पीने का बच्चों को उपलब्ध हो रहा है वहाँ आसपास साफ सफाई हो, पानी जो उनको मिल रहा है वो स्वच्छ हो, वो उसका सही तरीके से सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो स्कूल के लेवल पर इसके लिए भी कुछ मॉनिटरिंग हो रही है? हाँ, वो मॉनिटरिंग है, वो तो दोनों हम लोग कर रहे हैं मिलके, जैसे आपका ये हमारी HRD मिनिस्ट्री है जो मानव संसाधन मिनिस्ट्री है, वो भी उसको मॉनिटर करेगी। उनको इंस्ट्रक्शन है कि हर स्कूल में जो भी हेड है, प्रिंसिपल है, वो इनको मॉनिटर करेंगे। बहुत ही संक्षेप में दिनेश जी, आपसे समझना चाहें जो सॉलिड वेस्ट की बात अभी आपने जिक्र किया, उसके लिए क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ करने की जरूरत है, अगर दर्शकों को आप बताना चाहें? सॉलिड वेस्ट का भी एक बहुत समस्या है। लोग कहते हैं कि अर्बन में है, जैसे दिल्ली की बात करें आप, तो आपने देखा होगा इधर गाजीपुर साइड में बहुत सॉलिड वेस्ट का एक हीप लगा रहता है जी। तो उसको भी हम लोगों को ट्रीट करना पड़ेगा। एक तो कलेक्शन की प्रॉब्लम है डोर टू डोर, दूसरे लोगों की मानसिकता है जो
सड़क के किनारे या घर के बाहर कूड़ा फेंक देते हैं, तो वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे वो प्लास्टिक रैपर्स हों या कागज़ हों या खाने की चीज़ें हों, ये देखा गया, अक्सर देखा गया। तो उसके लिए तो आपको वही जनरल अवेयरनेस जो बोलते हैं हम लोग, जागरूकता लाना जरूरी है। तो डॉक्टर दिनेश जी, इस तरह से बता रहे हैं कि पूर्ण स्वच्छता के लिए, स्वच्छ भारत अभियान को साकार करने के लिए सिर्फ खुले में शौच एक समस्या नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं। जागरूकता बेहद ज़रूरी है कि हम ये स्वीकारें, ये ठाने और ये माने कि हम अपने आसपास ना गंदगी करेंगे ना किसी को करने देंगे। इतना सा प्रयास करना है तो ये लक्ष्य ज़रूर हासिल होगा। तो डॉक्टर दिनेश चंद जी, आप कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद जी। और दर्शकों, आपसे भी हम यही कहेंगे कि इसमें अगर आप भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, विशेषकर कार्यक्रम में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, तो पत्रों के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, कार्यक्रम का हिस्सा हो सकते हैं, आप पत्र लिख सकते हैं, कुछ अगर आपके आसपास घटित हो रही अच्छी चीज़ें हो रही हैं इस मिशन से जुड़ी, उसके बारे में अवगत करा सकते हैं, कुछ कविताएँ, कुछ भी जो आप साझा करना चाहें, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। पता नोट कीजिए, स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेज 2, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। हमारा ईमेल आईडी है sb@ddkdelhi.org.in। तो हर बार की तरह यही आशा करते हुए, यही उम्मीद रखते हुए कि ये लक्ष्य हासिल होगा, और लक्ष्य और समय को ना भी ख्याल में रखें तो हम ये स्वीकारें कि हमें विकास करना है तो अपने भारत को पूर्णतः स्वच्छ करना होगा। इसी के साथ लेते हैं आज के अंक में अनुमति। नमस्कार। शहर लग तक।